हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। लास्ट जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, उसी को कंटिन्यू करते हुए ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वाली वीडियो देख लो, उसके बाद इसे देखना, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो रिपीट होंगे और जो रिपीटेड ऑप्शन होंगे मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस वीडियो में। तो आप प्लीज़ पहले पार्ट 1 देख लो, उसके बाद आप पार्ट 2 देखना। कर इसमें बेसिकली हम लोग ये रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल 2019 में पूछे गए हैं टियर 1 के एग्जाम्स में, उनके वन वर्ड्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और साथ साथ में मैं सारे ऑप्शंस भी डिस्कस करता जा रहा हूँ। तो करेंगे हम लोग यहाँ पर ये कि क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं कर सारे ऑप्शंस को समझ लेंगे। सारे ऑप्शन समझने के बाद कौन सा सही आंसर है वो आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, वन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से प्यार करता हो, जो अपने देश से प्यार करता हो। ऑप्शंस देखते हैं। पहला वर्ड है कोलैबोरेटर, राइट? सो कोलैबोरेटर वर्ड बनकर आया है कोलैब से। कोलैब का मतलब होता है एक साथ मिलकर काम करना। कोलैबोरेटर कौन होता है? इसे हिंदी में कहा जाता है सहयोगी। हिंदी में इसे कहा जाता है सहयोगी। कोई भी ऐसा इंसान जो कि किसी काम में किसी का सहयोग कर रहा हो, उसे कोलैबोरेटर कहा जा सकता है। बट आमतौर पर ये वर्ड जो यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है क्राइम में किसी का साथ देने के लिए। मतलब किसी भी गलत काम में जब कोई व्यक्ति किसी का साथ देता हो तो उसे कोलैबोरेटर कहा जा सकता है, ठीक है। सेकंड वर्ड है पेट्रियट। अगले वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है पेट्रियट। नाउ हुज़ अ पेट्रियट, हिंदी में इसे कहा जाता है देशभक्त। ओके, क्या कहते हैं इसे हिंदी में? देशभक्त, राइट? सो इफ आई एम अ पेट्रियट देन आई लव माई कंट्री एंड आई वर्क फॉर माई कंट्री, ठीक है। सो पेट्रियट कौन होता है? पेट्रियट हम लोग हिंदी में देशभक्त जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में उसे हम लोग पेट्रियट कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है कंस्पिरेटर। ओके, कंस्पिरेटर वर्ड कहाँ से बनकर आया है? वर्ड बनकर आया है कंस्पायर वर्ड से। ओके, कंस्पायर वर्ड से हिंदी क्या होता है इसका? साजिश करना किसी के अगेंस्ट, ठीक है। षड्यंत्र रचना किसी के अगेंस्ट, उसे कंस्पायर कहा जाता है। और जो व्यक्ति कंस्पायर कर रहा हो उसे कंस्पिरेटर कहा जाता है। सो कंस्पिरेटर कौन है? एक ऐसा आदमी जो किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ या देश के खिलाफ साजिश कर रहा हो या षड्यंत्र रच रहा हो, उसे कंस्पिरेटर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने महाभारत माइथोलॉजी के बारे में सुना है या देखा है, तो उसमें आपको शकुनी का कैरेक्टर याद होगा। वो जो शकुनी का कैरेक्टर है, उसका काम ही है कि वो षड्यंत्र रच रहा है अगेंस्ट द पांडवस, राइट? सो द शकुनी कैरेक्टर कैन बी रिगार्डेड एज अ कंस्पिरेटर इन द होल महाभारत एपिक, राइट? आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है ट्रेटर। ट्रेटर किसे कहते हैं? देशद्रोही को ट्रेटर कहा जाता है। देशद्रोही को ट्रेटर कहा जाता है, ठीक है। कोई भी ऐसा आदमी जो कि देश से गद्दारी कर रहा हो, उसे ट्रेटर कहते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, वन हू लव्स हिज कंट्री, जो देश से प्यार करता हो, क्या हो सकता है? ऑब्वियसली मैंने आंसर आपको ऑलरेडी बता रखा है। आंसर कौन है? पेट्रियट। पेट्रियट वो व्यक्ति जिसे देशभक्त कहा जाता है, जो देश से प्यार करता हो। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, Incapable of paying debts, एक ऐसा आदमी जो कि अपना कर्ज चुकाने के लायक ना हो, कर्ज चुकाने के लायक ना हो, incapable of paying debts, क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन नंबर 1 है करप्ट। करप्ट कौन होता है? हम लोग भ्रष्ट समझते हैं। सो हिंदी में जिसे भ्रष्ट कहा जाता है, इंग्लिश में उसे करप्ट कहते हैं। और करप्ट से वर्ड बनकर आता है करप्शन, राइट? करप्शन जिसे क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार। हिंदी में कहते हैं इसे भ्रष्टाचार। ओके, ऑप्शन नंबर 2, एक्स्ट्रावेगेंट। मैं चाहता हूं कि ये वर्ड आप बहुत अच्छे से अपने जहन में बैठा लो, या अगर आप कॉपी लेकर बैठे हो तो नोट कर लेना, क्योंकि ये आगे भी पूछेगा एग्जाम में, कई बार पूछ चुका है। एसएससी का वर्ड था, फेवरेट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एक्स्ट्रावेगेंट कौन होता है? एक ऐसा आदमी जो कि बढ़ चढ़ कर खर्च करता हो, मतलब खुले हाथों से खर्च करता हो, वैसे आदमी को बोलते हैं कि वो एक्स्ट्रावेगेंट है। जहां ज़रूरत नहीं है वहां पे भी खर्च करता हो। आपको इसके 2 सिनोनिम्स याद रखने हैं, कॉपी पे नोट कर लेना मेरे साथ। पहला वर्ड है प्रोफ्लिगेट। काफ़ी बार पूछा है ये सिनोनिम्स में, कभी कभी एंटोनिम्स में भी। प्रोफ्लिगेट वर्ड को याद रखना, ठीक है। दूसरा इसका जो सिनोनिम है वो है स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट, ठीक है। स्पेलिंग है SPENDTHRIFT। ओके, स्पेंडथ्रिफ्ट याद रखना। ये दोनों वर्ड, प्रोफ्लिगेट एंड स्पेंडथ्रिफ्ट, ये दोनों वर्ड याद रखना। ये दोनों के दोनों इसके सिनोनिम हैं। अगर आप बात करोगे इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम में आप थ्रिफ्टी कह सकते हो, थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस, या आप माइजर कह सकते हो, माइजर का मतलब होता है कंजूस। तो कोई भी ऐसा आदमी जो कंजूस होगा वो उल्टा हो सकता है एक्स्ट्रावेगेंट का। तो मैंने आपको 2 सिनोनिम बताए हैं और 2 एंटोनिम बताए हैं एक्स्ट्रावेगेंट के, इसे जरूर याद रखना, ठीक है।
ओके आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन है हमारा इनसॉल्वेंट। ओके ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन है अगला इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का सिनोनिम नोट कर लो अपने कॉपी पे, इसका सिनोनिम होता है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट स्पेलिंग है BANKRUPT। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो कि अपना कर्ज ना चुका पाए, बैंकरप्ट हो चुका हो, वैसे आदमी को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है ऑब्सोलीट। ओके ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का भी सिनोनिम नोट कर लो। मैं सिनोनिम सबका इसलिए नोट करवा रहा हूँ ना क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ना SSC के बड़े फेवरेट्स हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा। सो ऑब्सोलीट का पहला सिनोनिम नोट करो आर्केइक, आर्केइक। सेकेंड इसका एक और सिनोनिम नोट कर लेना एंटीक्वेटेड, एंटीक्वेटेड। ओके ANTIQUATED, एंटीक्वेटेड। ये दोनों सिनोनिम याद रखना, ये ऑब्सोलीट के सिनोनिम है। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, प्राचीन, हिंदी में जिसे कहते हैं प्राचीन। ऐसी कोई भी चीज़ जो अब के ज़माने में इस्तेमाल नहीं की जाती, पहले इस्तेमाल की जाती थी, उसे ऑब्सोलीट कहा जाता है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन था जो अपना कर्ज ना चुका सके, आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 इनसॉल्वेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, एक लंबा और भड़काऊ भाषण। ओके लंबा और भड़काऊ भाषण, ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हरैंग। ओके हरैंग को हिंदी में क्या कहा जाता है, हरैंग को हिंदी में कहते हैं उग्र भाषण, एक ऐसा किस्म का भाषण जो जनता को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे हम लोग हरैंग कहते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि लोगों के ऊपर, नेताओं के ऊपर हरैंग का केस हुआ है। सो हरैंग क्या होता है, उग्र भाषण देके जनता को भड़काना। ऑप्शन नंबर 2 है डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब क्या होता है, बहस या चर्चा। अगला वर्ड है प्रोलॉग, इस वर्ड को याद रखना प्रोलॉग। ठीक है, इसका सिनोनिम याद रखना, इसका सिनोनिम होता है प्रिल्यूड। कॉपी पे नोट कर लो, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, प्रोलॉग और प्रिल्यूड सेम बात है। क्या होता है प्रोलॉग, क्या होता है प्रिल्यूड, किसी भी प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले जो शुरुआत वाला जो भाषण होता है उसे हम कहते हैं प्रोलॉग या उसे हम कहते हैं प्रिल्यूड। ठीक है, सो प्रोलॉग या प्रिल्यूड का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा भाषण जो किसी भी जगह पे स्टार्ट में दिया जाए। ठीक है, किसी भी भाषण, कोई भी भाषण जो कि किसी भी प्रोग्राम के स्टार्ट में दिया जाए उसे कहते हैं प्रोलॉग या उसे कहते हैं प्रिल्यूड। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होता है, जो लास्ट में दिया जाए ऐसे भाषण को क्या कहते हैं, ऐसे भाषण को कहते हैं एपिलॉग, एपिलॉग। राइट, तो याद रखना, एक होता है प्रोलॉग जो कि जो भाषण किसी भी प्रोग्राम के शुरुआत में दिया जाए, और उसका उल्टा होता है एपिलॉग जो भाषण किसी भी प्रोग्राम के अंत में दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगला वर्ड है एलोक्वेंस। ओके मैं ये बता चुका हूँ आपको, मेरे लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने एलोक्वेंट वर्ड को एक्सप्लेन किया था, ये एलोक्वेंस है। एलोक्वेंस का मतलब क्या होता है, अच्छा बोलने की कला। ठीक है, अच्छा बोलने की कला, ओके उसे कहते हैं एलोक्वेंस। इसका सिनोनिम याद रखने की जरूरत नहीं है, एलोक्वेंस याद रख लो काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द, ओके मैंने इसका आंसर नहीं बताया, द लॉन्ग अ लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच। हमसे सवाल क्या पूछा गया था, एक ऐसा भाषण जो कि जनता को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाए, आंसर है इसका फर्स्ट नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बिन एडुकेटेड। ओके एक ऐसा किस्म का स्कूल या कॉलेज जहाँ से कोई पढ़कर निकला हो, ओके उस स्कूल या कॉलेज को क्या कहते हैं, सवाल समझना, सवाल यह है कि उस स्कूल या कॉलेज को क्या कहते हैं, उस आदमी को क्या कहते हैं, ये नहीं पूछा गया है। ठीक है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है एल्मा माटर। ओके इसे क्या पढ़ते हैं, एल्मा माटर। आप इसे एल्मा माटर भी पढ़ सकते हो र लगा के, या आप एल्मा माटा भी पढ़ सकते हो, दोनों वर्ड्स पढ़े जाते हैं। सो एल्मा माटा का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा स्कूल या ऐसा कॉलेज जहाँ पे आप पढ़े हो वो आपका एल्मा माटर है। ठीक है, जैसे अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में पढ़ा हूँ, अगर मैं गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में पढ़ा हूँ तो मैं वहाँ का एल्मा माटा हूँ। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में पढ़े हो तो आप वहाँ के एल्मा माटा हो, अगर आप कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़े हो किसी कॉलेज में तो आप वहाँ के एल्मा माटा हो। तो वो स्कूल या कॉलेज जहाँ से आप पढ़कर निकले हो आप वहाँ के एल्मा माटा कहलाते हो। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है एल्युमिनाई। ओके क्या पढ़ते हैं इसको, एल्युमिनाई। एल्युमिनाई का मतलब क्या होता है, अगर मैं एल्युमिनाई हूँ DU का, इसका मतलब है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकला हूँ। इसका मतलब वो आदमी जो पढ़कर निकला है वो एल्युमिनाई होता है, और जिस जगह से पढ़कर निकला है वो एल्मा माटा होता है। तो मेरा स्कूल मेरा एल्मा माटा है और मैं अपने स्कूल का एल्युमिनाई हूँ। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड ऑप्शन है मेंटोर। ओके सो मेंटोर कौन होता है, एक ऐसा आदमी जो कि किसी को भी गाइड करे, समझाए, बताए, उसे मेंटोर कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपका मेंटोर हूँ तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अच्छा जैसे एक टीचर होता है ना, तो टीचर जिनको बताता है उसे स्टूडेंट कहते हैं, तो मेंटोर जिसे बताता है ना उसे मेंटी कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, मेंटी, MENTEE। राइट, सो मेंटी कौन होता है, वो आदमी जिसे सिखाया जा रहा है
और जो व्यक्ति सिखाएगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मेंटोर। चौथा ऑप्शन है ग्रेजुएट, ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। सो हमारा सवाल क्या था, सवाल था द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एडुकेटेड। स्कूल और कॉलेज को क्या कहते हैं, उसे अल्मा माटर कहते हैं। अगर पूछता स्टूडेंट को क्या कहते हैं तो हम कहते हैं उसे एलुमनाई कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, इंक्लोज्ड एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट एंड रिपेयर्ड। ओके यार, ये मैं बता चुका हूँ आपको, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर नहीं देखा तो पहले उसे देख लो, मैं इसका आंसर ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। पहला ऑप्शन है हैंगर। हैंगर किसे कहते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर एयरक्राफ्ट्स को रखा जाए, जहाँ पर उनका शेल्टर हो, उस जगह को हैंगर कहा जाता है, ठीक है। अगला वर्ड है हॉज। ओके, हॉज क्या होता है, हॉज एक किस्म का मौजा होता है, अ काइंड ऑफ सॉक्स। आपने अगर फिल्मों में देखा होगा एक मौजा जो कि आपके पाँव से लेके, यूजुअली ये जो हीरोइन होती हैं या जो जो लेडी एक्ट्रेसेस होती हैं वो ये पहनती हैं, जिनमें वो मौजा उनके टो से लेकर उनके थाइज तक पूरा कवर करता है, ठीक है। ऐसे किस्म के किसी भी एक कपड़े को, मौजे को हम लोग हॉज कहते हैं, राइट। सो ये किस्म का कपड़ा है, ओके, किस्म का मौजा, लंबा मौजा। नेक्स्ट वर्ड है हैंगर। हैंगर क्या होता है, टांगने की जगह, ठीक है, टांगने की जगह को हैंगर कहा जाता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि AR और ER में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट अगला वर्ड है हारबेंजर। ओके, ये वर्ड नया है, इसे याद रखना, हारबेंजर। हारबेंजर, इसे हारबेंजर पढ़ते हैं, हारबिंगर नहीं पढ़ते, ठीक है, इसे हारबेंजर पढ़ते हैं। हारबेंजर कौन होता है, समझना अच्छे से। आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर कहीं पे कोई सेना की टुकड़ी जा रही है, जैसे मान लो कि अगर कहीं पर 20 लोग जा रहे हैं, 20 सोल्जर्स अगर कहीं पर जा रहे हैं, तो ये सोल्जर्स रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, क्या करेंगे, उसके लिए पहले, एक दिन पहले एक सैनिक को भेजा जाता है कि तुम वहाँ पे जाओ और जाकर पता करो कि रहने की जगह ठीक है कि नहीं, खाने की जगह ठीक है कि नहीं, कहीं अटैक तो नहीं हो जाएगा। ये सारा रिपोर्ट लाने के लिए जिसे, जिस व्यक्ति को भेजा जाता है ना, उसे हारबेंजर कहते हैं, ठीक है। सो हारबेंजर को अगर मैं एक वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहूँ हिंदी में, तो संदेश वाहक, एक ऐसा आदमी जो संदेश पहुंचाता हो, लाता हो, जुगाड़ लगाता हो खाने का, रहने का, ऐसे आदमी को कहते हैं कि वो हारबेंजर होगा, ठीक है। होपफुली वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। सो हमारा क्वेश्चन ये था कि जहां पे एयरक्राफ्ट्स को रखे जाते हैं, आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर 1 हैंगर। ओके, नेक्स्ट, अ शॉर्ट स्टोरी विथ अ मोरल यूजुअली विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। एक छोटी सी कहानी जिसमें आपको कुछ नैतिक ज्ञान मिले और उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आमतौर पर जानवर होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस पे आते हैं, ऑप्शन नंबर ए है फैबल। फैबल क्या होता है, कोई भी ऐसा किस्म का एक फैबल, एक कहानी, एक छोटी सी कहानी जिसके अंत में कोई नैतिक ज्ञान मिले, और आमतौर पर इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जानवर होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं फैबल, राइट। अगला है ओड। यार मैं बता चुका हूँ, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, ये पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ओड क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपने मेरा वीडियो देखा है कि ओड किसे कहते हैं, ठीक है। हिम मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, मैं फिर से नहीं बता रहा। तो ये दोनों ऑप्शन आपका अभी टास्क ये है कि पूरा वीडियो सुनने के बाद आप मुझे कमेंट्स में बताना, कमेंट सेक्शन में, कि ओड और हिम क्या होता है, ठीक है। ओके, मैं चौथा वर्ड पे आता हूँ, पैरोडी क्या होता है। ओके, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पैरोडी पढ़ते हैं, पैरोडी नहीं पढ़ते, पैरोडी पढ़ते हैं। पैरोडी क्या होता है, देखो पैरोडी बेसिकली ना बड़ा ही कैरिकेचरिश, कैरिकेचर क्या होता है जी, कैरिकेचर मतलब कार्टूनिश, हंसने वाला, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की नकल करना और ऐसे नकल करना कि लोगों को हंसी आ जाए, उसे कहते हैं पैरोडी, ठीक है। जैसे बाहुबली पिक्चर आई थी, सो बाहुबली पिक्चर के आने के बाद बहुत लोगों ने बाहुबली की पैरोडी बनाई और यूट्यूब पे डाला। पैरोडी क्या है कि बाहुबली जैसा दिखने वाला एक पिक्चर बनाया, एक शॉर्ट वीडियो 3 मिनट का, 4 मिनट का, जिसमें बाहुबली का मजाक बनाया गया है, या इस तरीके से वीडियो बनाया गया कि मजाक उड़े। तो बेसिकली किसी की नकल कर उसका मजाक उड़ाना, उसे पैरोडी कहा जाता है। अगर आपको इस वर्ड को प्रैक्टिकली समझना है तो इस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब पे सर्च करना पैरोडी, आपको दुनिया भर की मूवीज़ के पैरोडी मिल जाएंगे, एक देखना आपको समझ में आ जाएगा वर्ड का कंटेक्स्ट क्या है। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पर आते हैं। अगला वर्ड है अ ग्रुप ऑफ शिप्स। ओके, SHIP शिप, पानी का जहाज, SHEEP शिप, भेड़। इन दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछता है SSC बार बार, इसको ध्यान रखना। ये जो शिप वर्ड है ना SHEEP, इसका प्लूरल कभी S लगाकर नहीं होता, ठीक है। तो शिप्स कभी भी नहीं होता, ये बात को ध्यान रखना। भेड़ों के झुंड को अ ग्रुप ऑफ शिप्स नहीं कह सकते, ग्रुप ऑफ शिप ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन SSC बहुत बार पूछती है, तो याद रखना कि भेड़ वाला जो शिप है ना, इसके आगे कभी भी S नहीं लगता, ठीक है। ये मैंने एक्सटर्नल बता दिया है आपको। खैर, सो मैं वर्ड्स पे आता हूँ। सवाल हमसे ये है कि नाव के झुंड को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कॉलोनी। कॉलोनी मतलब घरों का झुंड।
स्वाम, स्वाम मतलब भी क्या होता है, जहां पर झुंड हो, किसका झुंड, मधुमक्खियों का, मधुमक्खियों के झुंड को हम लोग स्वाम कहते हैं, ठीक है। सो स्वाम क्या होता है, मधुमक्खी के झुंड, हनी बीज के झुंड को, कॉलोनी ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड स्वाम। अगला वर्ड है फ्लीट, फ्लीट क्या होता है, आमतौर पर फ्लीट ट्रेन के झुंड को या पानी के जहाज के झुंड को फ्लीट कहा जाता है। अगला वर्ड है स्क्वाड, स्क्वाड का मतलब क्या होता है, टीम हम लोग जिसे कहते हैं, ठीक है, टीम को स्क्वाड कहा जाता है। सो हमारा क्वेश्चन क्या था कि नाव के झुंड को क्या कहते हैं, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा फ्लीट कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम, एक ही वक्त पर अगर आपको आप किसी के पक्ष में भी बोल रहे हो और विपक्ष में भी बोल रहे हो तो उसे क्या कहा जाता है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इक्विवेलेंट, ओके, सो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, बराबर, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक है। सो हम लोग बहुत बार मैथ्स में यूज करते हैं ना कि इक्विवेलेंट है, राइट, जैसे हम लोग 1.71 को हम लोग मान लेते हैं कि 1.7 लिखा है, 1.99 को मान लेते हैं कि ये 2 लिखा है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का मतलब लगभग बराबर है, ठीक है। अगला वर्ड है कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी क्या होता है, कंटेम्प्ररी हम लोग कहते हैं हिंदी में जिसे समकालीन कहा जाता है ना, समान काल में जीने वाले लोग उसे कंटेम्प्ररी कहते हैं। समकालीन क्या होता है, जैसे मैं और आप, हम सारे लोग ये 2020 का टाइम देख रहे हैं तो हम लोग कंटेम्प्ररीज हैं, ठीक है। जैसे कि राजकुमार साहब और दिलीप कुमार साहब ये कंटेम्प्ररीज थे, शशि कपूर अमिताभ बच्चन कंटेम्प्ररीज थे, रणवीर कपूर रणवीर सिंह कंटेम्प्ररीज हैं। तो कंटेम्प्ररी मतलब एक वक्त पे जो जीने वाले लोग हैं, इकट्ठा जीने वाले जो लोग हैं उन्हें कंटेम्प्ररी कहा जाता है, ठीक है। नाउ कोइंसाइडिंग, ओके, सो व्हाट्स कोइंसाइडिंग, कोइंसाइडिंग का मतलब होता है, अगला ऑप्शन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोइंसाइडिंग का मतलब होता है एक ही समय पर किसी जगह मौजूद होना, उसे कहते हैं कोइंसाइडिंग, राइट। सो कोइंसाइडिंग आपने बहुत बार सुना होगा, कोइंसाइडिंग इफेक्ट मतलब ऐसा प्रभाव जो एक ही वक्त पर लग रहा हो उसे कहते हैं कोइंसाइडिंग। आपने सुना होगा कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस भी हाल कुछ ऐसा ही वर्ड है कोइंसिडेंस, कि अगर किस्मत से आप एक ही जगह पर दो लोग मौजूद हो जाएं या दो घटनाएं बीत जाएं उसे कोइंसिडेंस कहा जाता है। सो एक वक्त पे किसी जगह पे मौजूद होना कोइंसाइडिंग कहलाता है। अगला वर्ड है एम्बिवेलेंट, ओके, सो एम्बी वर्ड को याद रखना, एम्बी वर्ड जहाँ कहीं पर भी आता है इसका मतलब होता है दो, एम्बी का मतलब क्या होता है, दो, जैसे आपने सुना होगा एम्बिडेक्सटरस, एम्बिडेक्सटरस, ओके। एक वर्ड है बहुत बार एसएससी पूछा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है एम्बिडेक्सटरस, मैं नीचे लिख रहा हूँ एम्बिडेक्सटरस, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट में बताना इसका मतलब क्या होता है, एम्बिडेक्सटरस किसे कहते हैं। मैं वर्ड पर आ रहा हूँ एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट क्या होता है, एम्बिवेलेंट का मतलब होता है एक ऐसे किस्म की फीलिंग जिसमें आप किसी चीज़ के पक्ष में भी बोलते हो और आप उसके विपक्ष में भी बोलते हो, उसे कहा जाता है वो एम्बिवेलेंट है, ठीक है। मतलब एक ही टाइम पर अगर आपको गवर्नमेंट का कोई स्कीम पसंद आता भी है और नहीं भी आता है तो उसे एम्बिवेलेंट कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा, कि जब आपको दो अपोजिंग फीलिंग्स हो, मतलब पक्ष भी हो और विपक्ष भी हो, तो उसे क्या कहा जाता है, आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एम्बिवेलेंट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, किसी को अगर कोई भी चीज़ पैदाइशी हो, जब से पैदा हुआ है तब से हो, तो उसे क्या कहा जाता है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कंजेनिटल, कंजेनिटल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा चीज़ जो किसी भी व्यक्ति के साथ बचपन से हो, जब से वो पैदा हुआ तब से हो, उसे कंजेनिटल कहा जाता है, ठीक है, इसे कंजेनिटल पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है क्रॉनिक, ओके, सो क्रॉनिक क्या होता है, क्रॉनिक इंग्लिश में इसे कहा जाता है हैबिचुअल, देख लो ऑप्शन नंबर 3 हैबिचुअल है, तो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये इन दोनों के लिए है, ये क्रॉनिक के लिए भी है और हैबिचुअल के लिए भी है। दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है स्थाई, स्थाई का मतलब क्या होता है, जो लंबे समय तक रहने वाला है, ख़त्म ना हो जल्दी, उसे क्रॉनिक कहा जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि क्रॉनिक डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है, क्रॉनिक का मतलब होता है स्थाई डिजीज़ है, वो जाने वाला नहीं है, वो लंबे समय तक चलेगा, उसे कहते हैं वो क्रॉनिक है। जैसे कि दम्मा, स्नोफीलिया, ये अगर किसी को होता है तो लंबे समय तक चलता है, जल्दी ख़त्म नहीं होता, तो उसे क्रॉनिक कहा जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हैबिचुअल भी सेम चीज़ थी। अगला बार देखना एनोमली, ओके, सो व्हाट्स एन एनोमली, एनोमली का मतलब होता है एबनॉर्मल, इसका सिनोनिम होता है एबनॉर्मल, या एक वर्ड याद रखना पिक्यूलियर, ओके, पिक्यूलियर मतलब क्या होता है, अजीब, अनियमित, ठीक है, जो कि बड़ा अजीब सा हो उसे एनोमली कहा जाता है। आपने सुना होगा एनोमली कमेटी के बारे में, एनोमली कमेटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कमेटी जो किसी भी स्कीम में ये देखती है कि उसमें कुछ अनियमितता तो नहीं है, कुछ अजीबोगरीब तो नहीं हो रहा, उसे एनोमली कहा जाता है, ठीक है। सो एनोमली का मतलब होता है कुछ अजीब सा होना, जैसे अभी कोरोना को लेकर बहुत लोगों को चाइना पे डाउट हो रहा है ना कि ये मैन मेड था, चाइना ने जानबूझकर किया हुआ था, क्योंकि बहुत सारी एनोमलीज मिल रही हैं उसमें, बहुत सारी अजीब चीज़ें हो रही हैं। खैर उसके बारे में डिस्कशन कभी और करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो वरना, क्योंकि
क्योंकि चाइना के बारे में बोलने को अभी सबके पास बहुत कुछ है। खैर, अब बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड्स की तरफ। अगला वर्ड है टू इंक्रीज द स्पीड। ओके, किसी भी चीज़ की स्पीड को बढ़ा देना, उसे क्या कहा जाता है। अच्छा, पहले वाले का आंसर क्या था? इसका आंसर था कंजेनिटल, मैं बताना भूल गया था। आगे बढ़ते हैं। सो अगला वर्ड क्या है? टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड बढ़ाना, उसे क्या कहा जाता है। चारों ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला वर्ड है एसिमिलेट। ओके, एसिमिलेट का मतलब क्या होता है? ये वर्ड याद रखना, ये एसएससी में पूछा एक दो बार, सिनोनिम में आगे भी पूछ सकता है। एसिमिलेट का मतलब होता है टू टेक इन और टू अब्सॉर्ब, टू टेक इन और टू अब्सॉर्ब। ओके, हिंदी में जैसे कहते हैं ना, सम्मिलित करना, सम्मिलित करने को एसिमिलेट कहा जाता है। मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो, या अगर आपको कोई चीज़ दी जाए, आप रख लो अपने पास, उसे कहते हैं असिमिलेट कर लेना। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में क्या है कि हम लोग बाकी सब जगह के कल्चर को असिमिलेट कर लेते हैं। हम लोगों ने अंग्रेज़ों के कल्चर को लिया हुआ है, हम लोगों ने रशियन कल्चर लिया हुआ है, हम लोगों ने पाकिस्तानी कल्चर लिया हुआ है। तो बाकी सारे देश, हमारा संविधान भी तो ऐसा ही बना हुआ है ना। संविधान में क्या है कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं अलग अलग कंट्री के, उन्हें असिमिलेट किया हुआ है। ठीक है, असिमिलेट का मतलब क्या होता है? अब्सॉर्ब किया हुआ है, सब कुछ से मिलाकर बना हुआ है। तो अपने में सम्मिलित कर लेना, इसे असिमिलेट करना कहा जाता है। अगला वर्ड है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? किसी को भी एक्साइटेड कर देना या बहुत खुश कर देना, इसे एक्सेलरेट कहा जाता है। ठीक है, एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? किसी को आनंदित करना, खुश कर देना, उसे कहते हैं एक्सेलरेट। जैसे सोचो, आज से 20 दिन 25 दिन मुझे पता नहीं ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, बट जब ये पता चलेगा कि COVID-19 इंडिया से बिल्कुल हट चुका है, ये कोरोना का खतरा इंडिया से टल चुका है, तो कितनी खुशी की खबर होगी वो। इसका मतलब वो जो न्यूज़ होगा वो हमें एक्सेलरेट कर देगा। एक्सेलरेट मतलब हमें भर देगा। ठीक है, अगला वर्ड है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की स्पीड को बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाने को एक्सेलरेट कहा जाता है। अगला वर्ड है एक्टिवेट। एक्टिवेट मतलब होता है सक्रिय कर देना। ठीक है, एक्टिवेट आपने सुन रखा होगा बहुत बार। सो हमारा क्वेश्चन था इंक्रीज द स्पीड, आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसमें एक्सेलरेट। राइट, बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अ पर्सन हु प्रीचेज रिलीजन एंड इज कंसिडर्ड टू बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड। ऐसा आदमी जो कि धर्म का अनुयायी हो और माना जाता हो कि वो धर्म के बारे में आपको बताएगा, वैसे आदमी को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। पहला वर्ड है ऑप्शन में प्रोफेट। ओके, सो प्रोफेट किसे कहते हैं? प्रोफेट हम लोग कहते हैं हिंदी में जिसे पैगंबर कहा जाता है, पीर बाबा, पैगंबर बाबा, अपने नाम सुना होगा, जो धर्म के अनुयायी होते हैं, जो हमें सिखाते हैं, बताते हैं धर्म के बारे में, उन्हें प्रोफेट कहा जाता है। अगला वर्ड है एथियस्ट। एथियस्ट कौन होता है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एथियस्ट वैसे आदमी को बोलते हैं जो भगवान को नहीं मानता, मतलब नास्तिक व्यक्ति को एथियस्ट कहा जाता है। इसका उल्टा होता है थियस्ट, आस्तिक व्यक्ति। राइट, आगे बढ़ते हैं। स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब क्या होता है? ज्ञानी, ज्ञानी। अ लर्नेड पर्सन इज कॉल्ड अ स्कॉलर। एक आदमी जो अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो, ज्ञानी हो, उसे स्कॉलर कहा जाता है। अगला वर्ड है वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब क्या होता है? एक वैसा व्यक्ति जो कि अपनी इच्छा से श्रमदान कर रहा हो, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी इच्छा से कहीं पे काम कर रहा हो, अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, वैसे आदमी को बोलते हैं कि वो वॉलंटियर है। राइट, नेक्स्ट वर्ड है अ गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस। एक ऐसा किस्म का गेम जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीत रही हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, देख लेते हैं ऑप्शंस। पहला है वर्ड क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना। इक्वल, बराबर, फ्लॉप, बेकार, ड्रॉ, बराबर, आंसर कौन सा होगा? ड्रॉ। ठीक है, क्योंकि जब कोई भी पार्टी नहीं जीत रही हो तो उसे कहते हैं कि वो टाई हो गया है, अगर वो क्रिकेट है तो, अदरवाइज वो ड्रॉ हो गया है। सो ड्रॉ होने का मतलब होता है जब कोई जीते ना कोई हारे ना, दोनों बराबर हो, उसे कहा जाता है ड्रॉ। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल। एक ऐसी जगह जहाँ पर पौधों को उगाया जाता है ताकि उन्हें बेचा जा सके, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है यार्ड। यार्ड हम लोग किसे कहते हैं? ये अगर आप मेजरमेंट के सेंस में यूज़ कर रहे हो तो इसे गज कहा जाता है, पता होगा आपको, एक गज, दो गज, तीन गज। अगर आप घर के सेंस में यूज़ कर रहे हो तो आंगन, जिसे हम कहते हैं देसी भाषा में, या हाता, जिसे हम कहते हैं देसी भाषा में, उसे कहा जाता है कि वो यार्ड होगा। ठीक है, यार्ड का मतलब तो क्या हुआ? गज हुआ, आंगन हुआ, हाता हुआ। आगे बढ़ते हैं। नर्सरी। नर्सरी क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हों और वहाँ से बेचे जाते हों, उसे नर्सरी कहा जाता है। अगला वर्ड है ऑप्शन नंबर थ्री में गार्डन। गार्डन किसे कहते हैं? बगीचे को। अगला वर्ड है एवियरी। ये वर्ड याद रखना, वन वर्ड पूछा हुआ है एग्जाम में ऑलरेडी। एवियरी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर पक्षी पालन की जाए या पक्षियों को रखा जाए, उसे एवियरी कहते हैं। अच्छा, साथ साथ में आपको एक और वर्ड याद रखना चाहिए, एपियरी। एपियरी, एपियरी क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाए। ठीक है, याद रखना, एक ऐसी जगह जहाँ पर बीज आर केप्ट, मधुमक्खियों को रखा जाए, बीज आर केप्ट, उसे कहते हैं एपियरी। सो दो वर्ड मैंने अभी बताया, एवियरी वी लगाकर, एक ऐसी जगह जहाँ पर पक्षियों को रखा जाए, एपियरी पी लगाकर, एक ऐसी जगह जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाए। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पर आते हैं। पुटिंग टू डेथ पेनलेसली
टू एंड सफरिंग, अगर कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो अपने जीवन से तो उसके जीवन का अंत कर देना बिना उसे दर्द दिए उसे क्या कहते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट है ब्लैस्फीम। ब्लैस्फीम क्या होता है, याद रखना, ब्लैस्फीम का मतलब होता है भगवान का इंसल्ट करना, जिसे हिंदी में कहते हैं ईश्वर निंदा करना। अपने धर्म को बुरा भला कहना, भगवान को बुरा भला कहना, उसे हम कह सकते हैं वो ब्लैस्फीम है। जैसे कि ब्लैस्फीमिस्ट एक्ट, आपने बहुत बार सुना होगा ये ब्लैस्फीमिस्ट है। ब्लैस्फीमिस्ट का मतलब क्या होता है, वो आदमी धर्म के खिलाफ बोलता है अपने, भगवान के खिलाफ बोलता है अपने, वैसे आदमी को कहते हैं वो ब्लैस्फीमिस्ट है। जैसे एक मूवी आई थी पीके, आमिर खान की, और उसके ऊपर बहुत बवाल हुआ था क्योंकि इसमें एक सीन था जहाँ पे शंकर भगवान को का एक एक उन्हें सिंबलाइज करते हुए कैरेक्टर था, और उसे दिखाया गया था कि वो बाथरूम में है और वो दौड़ रहा है, ठीक है? तो कहा गया था कि ये ब्लास्फेमी, क्योंकि इसमें भगवान की एक तरीके से निरादर किया जा रहा है, भगवान का उनका इंसल्ट किया जा रहा है, तो ये ब्लास्फेमिस्ट एक्ट है, और इस मूवी को बोला गया था ये ब्लास्फीम है, ठीक है, ईश्वर निंदा है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है जेनोसाइड। साइड का मतलब होता है हत्या, पता होगा आपको। जेनोसाइड क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, किलिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, जहां कहीं पे पूरे के पूरे एक कम्युनिटी को मार दिया जाए या बहुत सारे लोगों की इकट्ठा हत्या की जाए, उसे कहते हैं वो जेनोसाइड है। अगर चाइना के ऊपर जो आरोप है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि चाइना ने जानबूझ कर ऐसा किया था, तो ये भी एक किस्म का जेनोसाइड कहलाएगा, ठीक है? अगला वर्ड है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म वर्ड का मतलब क्या होता है, परोपकारिता, किसी की भलाई के लिए काम करना। इससे एक वर्ड बनकर आया है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो कि किसी दूसरे की भलाई के लिए काम करता हो, उसे कहते हैं एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी व्यक्ति, ठीक है? अगला वर्ड है यूथेनेशिया। ओके, सो व्हाट्स अ यूथेनेशिया? यूथेनेशिया का मतलब होता है किसी कोई भी व्यक्ति अगर ऐच्छिक मृत्यु ले ले, अपनी इच्छा से मृत्यु ले ले, तो वैसे आदमी को कहते हैं वो यूथेनेशिया का एक्ट है, ठीक है? सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किसी को भी उसकी इच्छा से मार देना बिना दर्द दिए, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे यूथेनेशिया। आप मुझे कमेंट में बताना कि भारत के संविधान के हिसाब से यूथेनेशिया देने का हक किसे है, सुप्रीम कोर्ट को या भारत के राष्ट्रपति को, ये मुझे जरूर बताना, ठीक है? या और किसी को, अगर आपके पास आपके जहन में अगर कोई और आंसर है तो। आगे बढ़ते हैं, अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विथ अ फ्लैशी स्टाइल, एक ऐसा आदमी जो कि आपको बहुत ही भड़कीले तरीके से आपका ध्यान आकर्षित करता हो अपनी तरफ, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ग्लटन। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, ग्लटन। इसे ग्लूटन नहीं पढ़ते, इसे ग्लटन पढ़ते हैं, ठीक है? ग्लटन क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पेटू, ठीक है? एक ऐसा व्यक्ति जो खाने का शौकीन हो या बहुत ज़्यादा खाना खाता हो, उस किस्म के व्यक्ति को कहते हैं कि वो ग्लटन है। अच्छा, इसका एक सिनोनिम होता है, वो सिनोनिम भी आप याद रखना। सिनोनिम इसका है गौरमांड, GORMAND, गौरमांड, MAND वाला मैं बोल रहा हूँ। गौरमांड का मतलब भी वही होता है, पेटू व्यक्ति, एक ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा खाना खाता हो। तो आपको दो वर्ड अभी मैं याद करवा रहा हूँ, एक है ग्लटन और उसी का सिनोनिम होता है गौरमांड, जिसका मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा खाना खाता हो। अच्छा, इसी के मिलता जुलता एक और वर्ड है गौरमे, GOURMET, राइट? गौरमे पढ़ते हैं इसे। गौरमे का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि खाने का एक्सपर्ट हो, एक ऐसा आदमी जो कि अच्छा खाना खाना जानता हो, अच्छा खाना खाने के बारे में बहुत कुछ जानता हो, एक कॉनोसर हो वो खाने का, वैसे आदमी को बोलते हैं कि वो गौरमे होगा, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब क्या होता है, भड़कीला या आकर्षक, भड़कीला या आकर्षक। आप अगर क्रिकेट देखते होगे तो बहुत बार कहा जाता था कि वीरेंद्र सहवाग एक फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन है, ठीक है? युवराज सिंह एक फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन है। फ्लैम्बॉयंट का मतलब क्या है कि बड़ा एक अट्रैक्टिव लगता है जब वो बैटिंग करते हैं, बहुत अटेंशन सीकर है, ठीक है? बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, देखने में बड़ा स्टाइलिश लगता है, उसे कहते हैं फ्लैम्बॉयंट, ठीक है? अगला वर्ड है वैगाबॉन्ड। ओके, वैगाबॉन्ड कौन होता है, एक वर्ड इसका सिनोनिम याद रखना आइटिनरेंट, इसका सिनोनिम याद रखना आइटिनरेंट या नोमैड, जिसे हम कहते हैं घुमक्कड़, ठीक है? या खानाबदोश, एक ऐसा किस्म का व्यक्ति या व्यक्तियों का झुंड जो कि यहाँ वहाँ घूमता फिरे, उसे कहते हैं वैगाबॉन्ड। उसी को आइटिनरेंट भी कहा जाता है, उसी को नोमैड भी कहा जाता है, ठीक है? सो वैगाबॉन्ड कौन होता है, एक ऐसा किस्म का व्यक्ति जो यहाँ वहाँ घूमता फिरे। अगला वर्ड है जॉकी। जॉकी कौन होता है, अगर आपने कभी एक हॉर्स रेसिंग देखी होगी, टीवी पे अगर देखी होगी, तो जो व्यक्ति वो घोड़ा चला रहा है ना, उसे जॉकी कहा जाता है, ठीक है? हमारा सवाल ये था कि एक ऐसा आदमी जो कि अटेंशन सीक करे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जी फ्लैम्बॉयंट। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, लास्ट वर्ड इस वीडियो का, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, एक ऐसा आदमी जिसे सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, एक ऐसी चीज जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? पहला वर्ड है हमारा इनैप्ट। इनैप्ट इसका एक सिनोनिम होता है इनेप्ट, इसे भी याद रखना, इसे इनैप्ट पढ़ते हैं, इसे इनेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है? हिंदी में से क्या कहते हैं, अकुशल, एक ऐसा आदमी जो कि
सुटेबल नहीं हो किसी चीज़ के लिए, उसे इनेप्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि भारतीयों का ये मानना है, मेजोरिटी का ये मानना है कि राहुल गांधी पीएम बनने के इनेप्ट नहीं है। इनेप्ट का मतलब वो उस लायक नहीं है कि उन्हें पीएम बनाया जाए, लोगों का ये मानना है। सो इनेप्ट या इनेप्ट जिसे कहा जाता है उसे हम लोग कहते हैं नॉट एबल या नॉट सुटेबल या नॉट एप्ट, इसे इनेप्ट कहा जाता है, अकुशल। अगला वर्ड जो है वो है इनजेन्युअस। ओके, इसे क्या पढ़ते हैं, इनजेन्युअस, इनजेन्युअस। इनजेन्युअस का मतलब क्या होता है, जेन्युइन हो या रियल हो। जब आप सच्चा निष्पक्ष तरीके से कुछ बोलते हो जिसमें आप अपना कुछ फ़ायदा नहीं देख रहे, उसे कहा जाता है ये इनजेन्युअस है, ठीक है। जैसे जब क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट्स में जो रेफरी होते हैं, जो अंपायर होते हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो भी डिसीजन देंगे वो इनजेन्युअस डिसीजन होगा, जिसका मतलब है कि वो सच्चा डिसीजन होगा, जेन्युइन डिसीजन होगा, उसमें उनका अपना कुछ फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा। हम लोग जब किसी की हेल्प करते हैं तो क्या अपने फ़ायदे के लिए करते हैं? अगर अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं फिर तो बिजनेस है, हेल्प नहीं है। सो हेल्प का मतलब क्या होता है कि आप जब इनजेन्युअस होकर कोई काम करोगे तो उसे हेल्प माना जाएगा, ठीक है। सो इनजेन्युअस का मतलब क्या होता है, अच्छे दिल से बिना अपना फायदा देखे। अगला वर्ड है इनसेन। इनसेन को हम लोग क्रेजी कहते हैं, क्रेजी आपने सुन रखा होगा, पागल को हम लोग इनसेन कहते हैं, ठीक है, एक वर्ड में याद रख लो, पागल को हम लोग इनसेन कहते हैं। अगला ऑप्शन है इनसेशियबल, इनसेशियबल, इसे इनसेटिएबल नहीं पढ़ा जाता, इनसेशियबल पढ़ा जाता है, ठीक है, इनसेशियबल पढ़ा जाता है। इनसेशियबल कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सके, या एक ऐसी चीज़ जिसे कभी संतुष्ट ना किया जा सके। जैसे आपने सुना होगा ही हैज़ गॉट इनसेशियबल ग्रीड फॉर मनी, उसका लालच पैसे को लेकर खत्म ही नहीं हो रहा, वो संतुष्ट ही नहीं हो रहा पैसे को लेकर। सो इनसेशियबल का मतलब क्या होता है, जो कभी संतुष्ट ना हो, जिसे संतुष्ट ना किया जा सके। और हमारा सवाल भी तो यही था ना कि दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, तो हमारा आंसर क्या होगा, इनसेशियबल। होपफुली आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इस वीडियो को अभी तो एक बार देखना ही, साथ साथ में टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते जाना। जब आप रिवाइज़ करोगे तो इसकी स्पीड बढ़ा लेना, इंटू 1.5 की स्पीड पे चलाना या 1.75 की स्पीड पे चलाना, ताकि आप बोर ना हो चीज़ों को सुनकर, और जल्दी जल्दी सुनना, सारे वर्ड्स याद कर लेना। मैंने कोशिश की है कि जितना सटीक आपको इसका मैं हिंदी बता पाऊँ और जितने सटीक तरीके से मैं इसे समझा पाऊँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करना, इसे सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।